अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी जल्दी मैं सेटअप की तरफ जा रहा हूं। रात को जो है ना, वो मेरी सैंटी का जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा बीमार था, मैंने उसको मेडिसिन भी दी थी, तो अभी जाके उसको चेक करना है। तो देखते हैं कि क्या हाल है। और बाकी जो पिजन्स वगैरह हैं उनको भी मेडिसिन ला के देनी पड़ेगी, क्योंकि सैंटी का एक बच्चा बीमार हुआ है, तो इससे मुझे लगता है कि बाकी जो कबूतर हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। फ़िलहाल तो उनमें कोई बीमारी के आसार नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या हाल है। तो अपडेट आपको जाके सेटअप पे ही देता हूँ। तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। लाड लेने के लिए जो है ना, वो मेरे पास बैठ गई है। तो फ्रेंड्स, अभी ये सारे कबूतर जो है ना अंदर हैं, और आप देखें कमरा कितना गंदा हुआ हुआ है। तो अभी मैं जल्दी से इनको बाहर निकालूंगा, बाहर निकाल के फिर जो है मैं ये सारा कमरा जो है इनका ये साफ़ करता हूँ। देखें कितना गंद बन गया है, तो रेगुलर करना पड़ता है, वरना आप इसको संभाल नहीं सकते। तो अभी ये सारा गंद जो है ये उठा के बाहर फेंकते हैं और इस शेड को साफ़ करते हैं। तो कबूतर तो खुद ही बाहर चले गए, उनको आदत है। जल्दी से मैं इसकी सफाई करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दीवार जो है ये खुश्क हो चुकी है, अभी इसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये आखिरी पेंट है जो यहाँ पे होना था, बाकी सारा तो ठीक हो गया था। बस ये दीवार जो थी वो रिपेयर की थी, तो अभी वो ड्राई है, तो इसके ऊपर जल्दी से मैं पेंट करता हूँ और केजेस वगैरह की तरफ फिर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये पेंट मैंने किया है और मैं इस वक्त शदीद थक चुका हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि ये मैं करूँ। तो बाकी चीज़ें इधर ही पड़ी हैं, अब जब टाइम मिलेगा थोड़ी देर बाद तो फिर आके करूँगा। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कि मैं ये काम करूँ। हाथों की हालत देखें, सारी ख़राब, कपड़े ख़राब। तो अपने परिंदों की तरफ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपने परिंदे। तो कबूतर सारे जो है ना ये बाहर निकले हुए हैं और इस वक्त ये खुद ही कुछ खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, इनको कुछ मिल रहा होगा तो खा रहे हैं दाना वगैरह। तो अभी मैं इनका केज साफ़ करूँगा, केज साफ़ करके इसके बाद जो है इनको वापस बंद कर देंगे, तब तक ये खेलेंगे। तो ये आज दोबारा एक और नई क्यारी बनी है, तो ये हम स्क्वायर में जो है ना हर तरफ क्यारी बना रहे हैं। तो ये क्यारी भी जो है ये साइड पे और इस तरफ सारी ये जो है ना फूल लगेंगे। तो माशाल्लाह कबूतर सारे एक्टिव हैं, सिवाए सेंटी के बच्चे के, जो अभी तक मैंने उस तरफ में गया नहीं, रात को उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मुझे नहीं लगता वो बचा भी होगा। लेकिन जाके देखते हैं, मैंने दवाई शाई तो दी थी उसको, लेकिन उसकी हालत कुछ ख़राब थी। तो ये सफाई जो है जारी है, इतना गंद मैंने बाहर निकाल लिया है और बाकी जो है मैं निकालता हूँ और केज साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है परिंदों को फीड वगैरह डालेंगे, फीड डाल के फिर इनको वापस बंद करेंगे। मन ना भी किया तो अबू जो हैं वो इनको बंद कर देते हैं, टेंशन नहीं है। तो अभी मैं जल्दी से इसकी सफाई करता हूँ, उसके बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तो तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। माशाल्लाह दोनों चीज़ों की जो है वो सफाई हो चुकी है और अभी जो है ना वो कबूतर बाहर सामने घूम रहे हैं। कबूतरों को भी वापस अंदर लेके आते हैं। और आपको एक बैड न्यूज़ भी सुनाता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि अभी मैं जब इस कमरे की सफाई कर रहा था तो मैंने देखा है वो सामने केज के अंदर जो है ना वो सेंटी का बच्चा, मैंने अलग से बंद किया था, मुझे बीमार लग रहा था, मैंने कहा कि बीमारी शेड में ना फैले तो उसको मैं अलग कर देता हूँ। तो अलग किया, लेकिन रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसको सारी मेडिसिन वगैरह दे दी थी और मुझे पता था कि इसने बचना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सेंटी का बच्चा जो है वो फौत हो चुका है। तो अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ, वो वैसे ही शुरू से जब से पकड़ा था तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और मुझे लग रहा था बीमार है, कभी लगता था बीमार है, कभी लगता था ठीक है, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी इतनी थी। अभी आपको केज में दिखाता हूँ, वो बेचारा मरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखें,
सेंटी का बच्चा मर चुका है। मैंने इसमें पानी वगैरह फीड वगैरह सारा कुछ रख दिया था और कल मैंने खुद इसको इंजेक्शन से दवाई भी पिलाई थी क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इसको डोज देना पड़ रहा था, लेकिन ये बेचारा नहीं बचा। तो बात तो सैड है लेकिन अब क्या हो सकता है। और ये एक वाइज डिसीजन था कि इसको जो है ना मैंने अलग कर दिया था। अगर ये उधर शेड में होता तो बाकी कबूतर बीमार होते। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ लेकिन कोई कबूतर मुझे इस वक्त बीमार नहीं लग रहा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई कबूतर और बीमार नहीं होगा। अभी इसको जो है ना डिस्पोज करते हैं और बाकी के काम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने घर के अंदर ही एक छोटा सा खड्डा बनाया है और इसको यहाँ पर रख के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं तो ये डिस्पोज हो जाएगा। तो इसको दफना दिए और बाकी अब आपको जो है ना मैं एक और खुशखबरी दी है साथ। अभी मैं जब इसको दफनाने आ रहा था तो मैं देख रहा था कि रैबिट जो है वो अपने बॉक्स के अंदर जा रही थी, तो ये भी अच्छी खबर है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना गुड न्यूज़ आएगी। तो फ्रेंड्स, ये रैबिट हैं और ये भी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये अंदर बॉक्स में थी, तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में ये भी एक अच्छी न्यूज़ लेके आएंगे। अभी ये तैयार बैठे हैं कि इनको निकाला जाए, देखें फौरन बाहर आ गए। और ये जो है हम यहाँ पे मस्तियाँ करेंगे, थोड़ी देर इनको करने देते हैं और मैं तब तक जो है कबूतरों के बर्तन वगैरह साफ़ करता हूँ और फिर अपने तोतों की तरफ आएंगे। तो चूचू देखें नीचे मज़े से घूम रहे हैं और ये तोते ग्रीन रिंग नेट के अलावा डव भी कोई मुरझाए लग रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या बात है। और ये देखें और देखिए अभी बॉक्स में जा रहे और अंदर चली गई। तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी खबरें जो है ना वो आ रही हैं। वो देखिए दोनों पेयर पूरा जो था वो बॉक्स के अंदर था, तो ये मेरे ख्याल में लेंग वगैरह कर रहे हैं, इनको ज़्यादा तंग नहीं करते, साइड पे हो जाते हैं। तो रैबिट जो है वो भी अपना खाना पीना शुरू कर दिया उन्होंने, घास अब माशाल्लाह काफ़ी हो गई इनके लिए और ये खाते रहते हैं यहाँ से ही। देखें हैप्पी मूड में हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। व्यूअर्स, अभी टाइम ज़ाया नहीं करता, फ़ौरन से जो है वो मैं इनको फीड वगैरह डालता हूँ ताकि फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पिजन्स को जो है ना वो मैंने फीड डाल दी है, वो खा रहे हैं। चूचू वगैरह को भी डाल दी है और तमाम जो परिंदे हैं सबको डाल दिए अभी। तो फ्रेंड्स, जो रिंग नेक है पानी और दाना ये भी डाल दिया है। डब का जो है वो दाना पानी वो भी चेंज कर दिया है, माशाल्लाह देखिए साफ़ सुथरा पानी और साफ़ सुथरा खाना और इसी तरह साफ़ सुथरा पानी वेजीज के लिए और साफ़ सुथरी फीड वेजीज के लिए। तो फ्रेंड्स, इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन लोगों को हमने बंद किया हुआ है, ना कि किसी ने इनको, ये अपनी मर्ज़ी से बंद है। तो परिंदों का ख्याल, जो अपनी बर्ड्स होती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। कबूतर जो हैं वो भी जो है ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन मेरे से गलती ये हुई है कि जो सेंटी का बच्चा मैंने पकड़ा था वो पहले से बीमार था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई जो है वो नहीं हुआ दूसरा कबूतर बीमार, लेकिन ये जो इंजमाम भाई के कबूतर हैं उनको ये मसला चल रहा है और आए दिन वो मरते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि खैरियत हो और कोई कबूतर और मज़ीद बीमार ना हो, लेकिन फिर भी जो है मैं इनको जो है फ्लेजल वगैरह जो है ना मैं इसमें डाल दूँगा ताकि ये जो है थोड़े से हाजमा वगैरह इनका बेहतर हो जाए। तो अभी जाता हूँ दुकान पे और वहाँ से लाता हूँ फ्लेजल सिरप और वो इसमें एक चम्मच डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, रैबिट जो है ना वो आज थोड़े बेचैन लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये ब्रीडिंग के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये करीब हैं और ये करने वाले हैं ब्रीड। तो अभी इनके बॉक्स वगैरह को भी जाके देखते हैं और इनको कोई और चीज़ ज़रूरत हो तो वो भी डाल देंगे।
बॉक्स नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है फिलहाल, लेकिन मुझे आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये किसी चक्कर में है। बार बार ये पास भी आते हैं और मुझे बेचैन भी लग रही है थोड़ी। तो फ्रेंड्स दवाई जो है वो मैं ले आया हूँ, अभी जो है ना इस पानी में मिला देंगे और ये आज का दिन पीते रहेंगे, इसी तरह दो तीन दिन को देता रहूँगा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई इसमें बीमारी के आसार तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है एहतियाती तौर पे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि एक कबूतर मर गया है और इसी तरह ये बीमारी फैलती है। तो ये डायरिया होता है, इसमें मोशन वगैरह आते हैं, तो मैं ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, इसलिए आज सफाई भी की थी कि अगर कोई नई जो है ना किसी कबूतर ने पोटी की और वो मोशन हुए तो उससे पता भी चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे ऐसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे इनको ये डाल देता हूँ। तो फ्रेंड दवाई मैंने डाल दी है और अब ये कबूतर दिन को जब भी प्यास लगेगी ये पीते रहेंगे। गलती ये होगी है कि सुबह सुबह डालता तो ये फ़ौरन पी भी लेते, लेकिन चलें कोई नहीं, दिन में किसी वक्त भी पी लेंगे, पानी ऑलरेडी कम ही होता है। तो आज का काम इतना ही था, रैबिट्स को देखें यहाँ मेरा शक जा रहा है, पता नहीं वो अब ठीक है या गलत है, देखते हैं दो तीन दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी जो भी हुआ। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं चलता हूँ ऑफिस, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। देखें रैबिट करीब आ गए, आज 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 माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ, मेरे करीब आके बार बार पता नहीं मुझे क्या बताना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।